नमस्कार, सलाम, आदाब। आसमां शायरी का आकाश इस नाम की इस छोटी सी महफिल में फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। तो आज बात शुरू करते हैं एक उसूल से। वो उसूल कहता है कि ख्वामखा जो खुश रहोगे तो खुशी तुम्हारे पास छक मार के आएगी, और बेवजह गमगीन रहोगे तो ज़िंदगी बहुत तड़पाएगी। तो खुशी को बुलाने के लिए और गम को भगाने के लिए एक सलाह, एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार की गई है, नाचीज़ ने की है वो इजाद। तो वो इतना सा मांगती है कि आप मुस्कुराइए, और कोई वजह हो या ना, कभी कभी बेवजह भी मुस्कुराइए। तो उस प्रिस्क्रिप्शन को एक कुछ शायरी के रूप में, उस शक्ल में आपके सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। गौर फरमाइए। आदमी को बेवजह भी मुस्कुराना चाहिए, आदमी को बेवजह भी मुस्कुराना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि उसकी खातिर कोई बहाना चाहिए। आदमी को बेवजह भी मुस्कुराना चाहिए, और क्यों? रह के गमगी कौन कर पाया है जहां में मसर्रत की तलाश। जिसने भी गमगी रहकर मसर्रत की, खुशी की, हैप्पीनेस की तलाश की है, वो तलाश अधूरी रही है, फेल रही है, बिल्कुल कभी कामयाब नहीं हुई है। तो रह के गमगी कौन कर पाया है जहां में मसर्रत की तलाश। खुशी भी ना आती है ज़रा नज़दीक उसके जो शख्स रहे उदास। मांगती है वो भी अपनी आमद से पेश उसकी राह तकता। एक खिला चेहरा और मंजर सुहाना चाहिए, आदमी को बेवजह भी मुस्कुराना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि उसकी खातिर कोई बहाना चाहिए। तो अच्छा बुरा वक्त हर एक पे आता है, कोई ऐसा नहीं कि भाई हमेशा जो है नसीब आपका साथ दे रहा हो, लोग आपके साथ दे रहे हों और आप अच्छा कर रहे हों। बावजूद उसके, उन हालात की उन परिस्थितियों की बात करते हुए, ये जहां कहां किसी को आया है हर वक्त माफिक उरास। ये जहां कभी भी किसी को भी हर वक्त माफिक और रास नहीं आता, ये सच्चाई है। अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। ये जहां कहां किसी को आया है हर वक्त माफिक उरास। हमने तो हर एक को भटकते पाया है, लिए चैन और सुकून की प्यास। कहता हूँ राह इनकी कहीं बाहर ना देख। बीज इनका तो अपनी रूह में लगाना चाहिए, आदमी को बेवजह भी मुस्कुराना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि उसकी खातिर कोई बहाना चाहिए। अब एक रिस्क, एक डर, एक खौफ की बात करता हूँ कि भाई अब ये तो कह रहा है, ये तो शायर है, ये तो शायद कुछ भी, पर लोग तो हंसते हैं, दीवाना कहते हैं जो आदमी हर वक्त बिना बात के खुश रहे, तो क्या होगा। तो उसी कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में, उसी सिलसिले में अगली कुछ लाइनें। कह के दीवाना अक्सर उड़ाया है जमाने ने उनका मजाक। कह के दीवाना अक्सर उड़ाया है जमाने ने उनका मजाक। जिनके रुख को खिला पाया है चाहे जेब हो खाली उचाक। यानी कि जेब खाली भी है और जेब फटी भी है, फिर भी चेहरा खिला हुआ है। तो उन लोगों के बारे में, कह के दीवाना अक्सर उड़ाया है जमाने ने उनका मजाक।
जिनके रुख को खिला पाया है चाहे जेब हो खाली और चाक। दीवाना कहने वालों को भी तू हंस के देख, दीवाना कहने वालों को भी तू हंस के देख, उनको तो बस दीवाना कहने का बहाना चाहिए। कह के दीवाना अक्सर उड़ाया है जमाने ने उनका मजाक, जिनके रुख को खिला पाया हो पाया है चाहे जेब हो खाली और चाक। दीवाना कहने वालों को भी तू हंस के देख, खूब हंस के देखिए। अगर बुरा लगता है वो आपका मजाक उड़ाना चाहते हैं तो उड़ाने दीजिए। दीवाना कहने वालों को भी तू हंस के देख, उनको तो बस दीवाना कहने का बहाना चाहिए। अब यहाँ एक ख्याल और आ गया, अब वो ख्याल थोड़ा सा इबादत से, थोड़ा सा खुदा से मोहब्बत करने के हिसाब से, क्योंकि लोग शायद कदर ना करें, लोग शायद कदर ना करें जिनको वो दीवाना कहते हैं उनकी, लेकिन हो कद्र इंसान को के ना हो, हो कद्र इंसान को के ना हो दीवाने की, दीवाने की हो इंसान को कद्र के ना हो, उस खुदा को तो गले लगाने को बस एक दीवाना चाहिए। आदमी को बेवजह भी मुस्कुराना चाहिए, क्या ज़रूरी है कि उसकी खातिर कोई बहाना चाहिए, क्या ज़रूरी है कि उसकी खातिर कोई बहाना चाहिए। सुनने के लिए, गौर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।